हेलो, आज हम अपना प्रोनाउंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आई थिंक आपसे मैंने बोलता थोड़ा सा प्रोनाउंस आपको पढ़ के रखना, थोड़े से प्रोनाउंस का मीनिंग तो आपने पढ़ के रखा होगा। इसमें कुछ होमवर्क भी देते मैंने आपको, है ना? तो होमवर्क ही मैं आपको कराई दूँ। डेटे वाले तो ने सारे करा दिए थे, इसमें मैंने आपको ये कराया। इसमें आपको आइडेंटिफाई करने थे, ये सी भी है, हाँ ये थे ना, इधर आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई द नाउन एंड सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस आपको आइडेंटिफाई करने, इसके दो तरीके मैं आपको बताए थे। पहला तो आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट, दूसरा चेक करो सब्जेक्ट का नाम है या नहीं। ये दो स्टेप्स बताए थे मैंने आपको बेसिकली। तो पहले आइडेंटिफाई करो उसमें सब्जेक्ट। द नॉटी बॉय प्लेड अ प्रैंक ऑन देयर न्यू फ्रेंड। सर किसने प्रैंक किया, किसने? तो ये आंसर आ गया, हु प्रैंक, हु प्लेड अ प्रैंक, हु प्लेड अ प्रैंक नॉटी बॉय। सब्जेक्ट आपके पता चल गया। क्या इनका कुछ नाम दिया हुआ है, क्या इनकी कोई क्वालिटी ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे आप उनके बारे में पता कर सको, उनकी कोई पहचान दी है? बताओ। हाँ सर, एक नाम दिया हुआ है, कलेक्टिव नाम। कौन सा नाम दिया हुआ है? कॉमन नाउन कह सकते हैं इसको, कलेक्टिव भी नहीं। आप बॉयस को क्या कहोगे, बॉयस को कॉमन नाउन कह सकते हो। बॉयस को क्या कह सकते हो, कॉमन नाउन कह सकते हो। तो आपको कॉमन नाउन दिया हुआ है, कॉमन नाउन दिया हुआ है आपको। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट केस हो जाएगा, नाउन एज अ सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सही। तो एक ही क्या मैंने और भी है एकदम। फोर, जैक एंड जिल बेंट अप द हल हिल सॉरी जैक एंड जिल बेंट अप द हिल। जैक और जिल जो थे वो कहाँ पर गए थे, बस हिल पर गए थे, ऊपर पहाड़ी पर गए थे। हु वेंट अप द हिल, कौन गया था हिल पर? हु वेंट अप द हिल? सर जैक एंड जिल, सब्जेक्ट मिल गया। क्या सब्जेक्ट से कोई नाम है? हाँ सर, सब्जेक्ट के नाम है, बिल्कुल प्रॉपर नाउन है। तो हाँ, तो नाउन है, तो ये भी हमारे क्या हो गया, सब्जेक्ट एज अ केस हो गया, सब्जेक्ट एज अ नाउन केस हो गया, वो नाउन एज अ सब्जेक्ट केस हो गया, ठीक है? फिर लिखा हुआ द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द नेम्स ऑफ हिज न्यू कैबिनेट मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर ने अपने न्यू कैबिनेट मेंबर्स के नेम क्या क्या अनाउंस किए। तो हु अनाउंस द नेम्स, किसने नेम अनाउंस किए? तो सब्जेक्ट आ गया। क्या सब्जेक्ट का कोई नाम है? हाँ, सब्जेक्ट का नाम है प्राइम मिनिस्टर, एक पोस्ट का नाम दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, नाउन इज द सब्जेक्ट हो गया, नाउन इज द सब्जेक्ट केस हो गया, ठीक है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है? थर्ड वाले में ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या आइडेंटिफाई कर देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, तो इस वाले की मैंने क्या स्टेप सिखाई थी आपको, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। पहले तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सारे वर्ड्स लिखवाए थे आपको, ठीक है? नहीं, वो डायरेक्ट के लिखवाया था, डायरेक्ट के लिए मैंने आपको क्यों लिखवाया था, वर्ब के बाद वॉट लगा दो, वर्ब के बाद वॉट लगा दो। आई अरेंज द बुक्स ऑन द रैक, आई अरेंज द बुक्स ऑन द रैक, मैंने अपनी बुक्स रैक पर अरेंज की। तो मैंने क्या अरेंज, आई अरेंज वॉट ऑन दी रैक, मैंने रैक पर क्या अरेंज किया, बुक्स, मैंने क्या अरेंज किया, ये किया। क्या इस चीज़ का कोई नाम है? हाँ, इसका नाम है बुक्स। इसका नाम क्या है, बुक्स, कलेक्टिव नाउन है, बेशक बुक का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, पर कलेक्टिव नाउन तो है ना, क्या बुक्स थी, चीज़ है, चीज़ का कुछ तो नाम है, अब प्रॉपर नहीं है वो बात अलग है। तो यहाँ पर नाउन एज अ क्या हो गया, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट। अब कोई चीज़ उस चीज़ का नाम है ना, बुक उस चीज़ का तो नाम है ही है ना, जरूरी सर बुक का नाम हो तो बहुत दिक्कत नहीं कि बुक का भी सर स्पेसिफिक नाम, चीज़ का नाम उनसे चीज बुक है, ठीक है? सेकंड वाले में द फील्डर ड्रॉप द बॉल। द फील्डर कौन होता है, फील्डर कौन होता है, फील्डर उसको बोलते हैं जो कैच करता है। क्रिकेट आप जानते होंगे थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फील्ड में खड़े होते हैं। फील्ड मतलब ये समझो, एक बैटिंग पर होता है, एक बॉलिंग पर होता है, ठीक है? अब बाकी पूरे मैदान में पूरे लोग इधर उधर फैले होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ताकि अगर कोई शॉट मारे ऊपर तो वो लोग कैच कर सकें। तो वो जो कैच करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं फील्डर। तो क्या बोलते हैं, फील्डर। तो लिखा है फील्डर ड्रॉप द बॉल, तो जो फील्डर था उसने बॉल ड्रॉप कर दी, उसने बॉल क्या कर दी, बॉल ड्रॉप कर दी। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फील्डर ड्रॉप द बॉल, द फील्डर ड्रॉप द वॉट। सर आ गया सर, ये चीज़ उसने इसी ड्रॉप की। क्या चीज़ का कोई नाम है, हाँ सर चीज़ का नाम है बॉल, इसी का एक नाम है बॉल। तो ये आपका हो गया नाउन एज अ ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट हो गया। फिफ्थ वाले का माई मदर गिफ्टेड अ ब्रेसलेट ऑन माई बर्थडे, मेरी मम्मी ने
मुझे मेरे बर्थडे पर एक गिफ्ट, एक ब्रेसलेट दिया, एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया। तो क्या गिफ्ट किया? वॉट, माई मदर गिफ्टेड वॉट, माई मदर गिफ्टेड वॉट, कहाँ से आ गया सर ये चीज़ गिफ्ट की? सर इस चीज़ का कोई नाम है? हाँ सर इस चीज़ का नाम है, इसको ब्रेसलेट बोलते हैं। तो आपको क्या हो गया? नाउन इज ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डेटर वाले भी थे। हैव यू परचेज अ मोबाइल फोन? अच्छा डेटर के अंदर हम करते क्या थे, पहले ये डिस्कस कर लें। रिकॉर्डिंग चल रही है? मत चल रही है। डेटिव के अंदर हम क्या देख चेक करते थे? हम डेटिव में चेक करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर चेक करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई नाम है या नहीं। तो हैव यू परचेज अ मोबाइल फोन फॉर योर सिस्टर? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? टू होम, फॉर होम, ये होम वाले वर्ड लगाकर हमें पता कर सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, आफ्टर द वर्ब। तो देखो, हैव यू परचेज अ मोबाइल फोन फॉर योर सिस्टर? हैव यू परचेज अ मोबाइल फॉर होम? हैव यू परचेज अ मोबाइल फॉर होम? आपने मोबाइल किसके लिए खरीदा? आपने मोबाइल किसके लिए खरीदा? तो आ गया फॉर योर सिस्टर, यानी योर सिस्टर। हमने किसके लिए किया? इसके लिए किया, इसके लिए किया। अब ये क्या चीज़, इस चीज़ का कोई नाम है? ये प्लांट है, ये बुक है, ये क्या है, क्या है ये? सर नाम है, सर सिस्टर है ये, एक पोजीशन तो होगी एक तरह से। सिस्टर बता दे, कैटेगरी का तो नाम ही हो गया ना, ह्यूमन बींग की कैटेगरी का नाम हो गया। सर ये नाम भी है, इसका नाम भी है। तो नाउन एज अ डेटिव केस हो गया, नाउन एज अ डेटिव केस केस हो गया, ठीक है। रानी रिटर्न द ग्रूम हिज शूज आफ्टर एन आफ्टर एन आफ्टर एंड आफ्टर एन आवर। रानी रिटर्न द ग्रूम हिज शूज आफ्टर एन आवर। तो वर्ड का टू होम, बाय होम, फॉर होम लगाओ, तो उसका हिंदी समझ नहीं गया। रानी रिटर्न द ग्रूम हिज शूज आफ्टर वन आफ्टर एन आवर। रानी ने एक घंटे बाद, रानी ने एक घंटे बाद, रानी ने एक घंटे बाद ग्रूम मतलब धोला, धोले को उसके शूज वापस कर दिए। रानी ने एक घंटे बाद धोले को उसके शूज वापस कर दिए। किसको वापस कर दिए? होम का मतलब क्या लिखा था? टू होम का मतलब किसको, किसको वापस कर दे? हिंदी में भी मीनिंग पता चला, ग्रूम को। आप ऐसे क्वेश्चन लो, रानी रिटर्न टू होम, रानी रिटर्न टू होम हिज शूज आफ्टर एन आवर। तो रानी ने ग्रूम को उसके शूज वापस कर दिए, उसका नाम भी है। तो ये आपके नाउन इज अ डेटिव केस हो गया, ठीक है। फिफ्थ वाला, व्हेन विल यू गिव रागिनी योर बुक्स? तुम रागिनी को बुक्स कब दोगे? व्हेन विल यू गिव रागिनी योर बुक्स? आप रागिनी को बुक्स कब दोगे? तो सर ये भी, तुम रागिनी को बुक्स कब दोगे? तुम किसको बुक्स कब दोगे? किसको? होम के और मीनिंग बताएं आपको, बताया किसको? तो इससे भी आंसर आपको सब पता चल रहा है, हिंदी में ही आप क्वेश्चन आके देखते हो तो। इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में कैसे बताए, व्हेन विल यू गिव, व्हेन विल यू गिव टू होम योर बुक्स? तुम कब किसको अपनी बुक्स दोगे? किसको दोगे? रागिनी को। सर नाम है उसका, प्रॉपर नेम है सर इसका। तो ये भी आपको हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ तक तो होमवर्क हो गया। अब हम आज की क्लास बेसिकली ट्राई स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। एक्सरसाइज ज़्यादा है तो देख लें पहले क्या क्या है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में, रीराइट दें। आई सॉ द बॉय व्हाट वाज, अच्छा, ओके इसमें टाइम लगेगा। ओके, वी हैव ब्रॉट सम फ्रूट। ओके चलो कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आधे आधे करेंगे, इनको बहुत सारे हैं, एंड नाइन है, फोर तो करेंगे कम से कम। पहले समझते हैं मीनिंग, पहले मीनिंग समझते हैं बाद में देखते हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ, थोड़ा साउंड आ रहा है, रुको मैं बाहर से विंडो बंद कर दूँ। बच्चे भी शांत हो गए, विंडो भी मैंने क्लोज कर दी, अब तो साउंड आना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी आपको। अब देखो, एक से पहले आप समझा दूं, चलो पहले छोड़ो उसको। प्रोनाउंस क्या आते हैं? प्रोनाउंस तो मैंने क्या मीनिंग बताया था इसका पर्सनल, अगर आपको ध्यान होता। प्रोनाउंस का मतलब सिंपल सा, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। सर नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं मतलब, नाउन तो मतलब नाम होता है, नाउन मतलब क्या? नाम। तो ऐसे वर्ड्स नाम की जगह पर यूज किए जाते हैं। सर नाम की जगह पर यूज किए जाते हैं ऐसे वर्ड्स, सर कुछ समझाओ।
आपको भैया को बुलाना है, अर्नब को बुलाना है, तो आप क्या कहोगे? हमेशा ही बोलोगे अर्नब यहाँ पे आओ, या बोलोगे ओ इधर आओ, ओ लड़के इधर आओ, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे ओ लड़के ये लड़के, आप नहीं बोलोगे, लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो इस तरीके से आप किसका नेम नहीं लेते, बट नेम की जगह कोई दूसरा ही वर्ड यूज़ करते हो उस पर्सन को बुलाने के लिए, उस पर्सन को रेफर करने के लिए। तो वो जो दूसरा वर्ड होता है ना, तो वो दूसरा वर्ड होता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। आपको बेसिकली यूज़ क्या करना था, अर्नब, आपको यूज़ क्या करना था, नाउन, आपको नेम यूज़ करना था, नेम, बट हमने नेम यूज़ नहीं किया। सपोज करो अर्नब एक पार्टी में गया है, अर्नब बहुत स्मार्ट लग रहा है, अर्नब एक पार्टी में गया, अर्नब बहुत स्मार्ट लग रहा है। अब वो अर्नब स्मार्ट लग रहा है, पर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, उसको लड़कियों को अर्नब पता, उन लड़कियों को अर्नब का नाम नहीं पता, तो वो क्या कहेंगे? अर्नब स्मार्ट लग रहा है, वो कह ही नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनको नाम ही नहीं पता, उनको नाम ही नहीं पता, या फिर बोलो नाउन ही नहीं पता। तो क्या वो क्या बोलेंगे फिर वो अर्नब की तारीफ के लिए? वो बोलेंगे वह लड़का स्मार्ट लग रहा है, वह स्मार्ट लग रहा है, वह स्मार्ट लग रहा है। तो अर्नब को किससे रिप्लेस किया गया? वह से। अर्नब को किससे रिप्लेस किया गया? वह से। तो नाम की जगह पर हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, किसी नेम की जगह पर हम जो भी वर्ड दूसरा यूज़ करते हैं उस पर्सन को रेफर करने के लिए, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, समझ आ गया? तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो यूज़ की जाती है नाउन की जगह पर, नाउन को रिप्लेस करने के लिए किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो अब इसके केस समझ लो, कब कहो प्रोनाउन यूज करते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, कब यूज करते हैं, आपको समझा देता हूँ, लिखा नहीं रहा, समझ सको समझ लेना, याद कर लेना। दो पॉइंट है, पहला केस जब आपको नाम ही ना पता हो किसी का, तब आप प्रोनाउन यूज करोगे। अब उन लड़कियों को भैया का नाम ही नहीं पता था आपके, उन लड़कियों को अर्नब का नाम ही नहीं पता था, तो तुम वही बोलेंगे, बोलेंगे वह स्मार्ट लग रहा है, वह स्मार्ट लग रहा है। पहला तो ये, जब आप जब किसी को नाम ही ना पता हो, जब उसका नाम ही नहीं पता, तो प्रोनाउन यूज करेंगे ना। नेम मतलब नाउन, ये कंफ्यूज नहीं होना, नेम मतलब नाउन, नाउन मतलब नेम। अगर किसी को नेम नहीं पता तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ ना, किसी को नाउन नहीं पता, अगर नाउन नहीं पता तो वो क्या यूज करेंगे सर? उसकी जगह पर जो वर्ड यूज करेंगे उसको प्रोनाउन बोलेंगे। तो वो अगर किसी को नाउन नहीं पता, उन लड़कियों को भैया का नाउन नहीं पता, भैया का नाम नहीं पता, तो वो क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। यानी पहला केस, जब किसी को नाउन ना पता हो तब प्रोनाउन यूज किया जाता है। दूसरा, कंटिन्यूस कन्वर्सेशन में। कंटिन्यूस कन्वर्सेशन मतलब क्या? अब कंटिन्यूस की बात चलनी, सब उसके लड़कियों को नाम पता है, लड़कियों को नाम पता है, ठीक है, तीन लड़के खड़ी हैं, तीनों को, तीन में से तीनों को नाम पता है, ठीक है। उन्होंने एक लड़की ने बोला हाँ अर्नब स्मार्ट लग रहा है, अर्नब स्मार्ट लग रहा है, ठीक है, उसे तो नाउन यूज किया। अब तीन में से तीन में से दूसरी लड़की दोबारा से बोलती है हाँ वो तो स्मार्ट लग रहा है, हाँ वो तो स्मार्ट लग रहा है, हाँ वो तो रियल में स्मार्ट लग रहा है। तो उस लड़की ने दोबारा से अर्नब बोला, उसने बोला कि वो, उसने अब क्या बोला? वो बार बार तीनों ही सोच लेंगे, एक बोला अर्नब स्मार्ट लग रहा है, दूसरी बोले अर्नब स्मार्ट लग रहा है, तीसरी बोले अर्नब स्मार्ट लग रहा है। अब तीनों ऐसे बोलेंगे, एक ने तो नाम बोल दिया, अब दूसरी कहेंगे हाँ वो तो बस में स्मार्ट लग रहा है, हाँ वो तो स्मार्ट है ही है। हम कंटिन्यूस जब बातें करते हैं तो हम एक नाम को बार बार रिपीट नहीं करते, हम नाम बस एक ही बार रिपीट करते हैं, फिर हम उसके ऊपर वो नाम बार बार रिपीट नहीं करते, हम बार बार रिपीट नहीं करते वह, उसको, उसकी, हम ये वर्ड यूज करने लगते हैं। तो जब कंटिन्यूस हमारी कन्वर्सेशन चल रही हो तब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। आई हो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो छोड़ देना, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस मैंने आपको थोड़ी एडिशनल नॉलेज देने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है। अब नाउन क्या होते हैं? पहला नाउन का मीनिंग समझ गए, एग्जाम्पल को छोड़ दो, पहले वाले को बाद में बताऊंगा, पहले वाले एग्जाम्पल छोड़ा, ये वाला लिखा है सी कैन रीड देम, सी कैन रीड देम, ये उन्हें पढ़ सकती है। सर कौन किसे पढ़ सकता है? सर कौन पढ़ सकता है? वह। सर सब्जेक्ट तो है, क्या सब्जेक्ट का नाम है? नहीं है। अगर सब्जेक्ट का नाम नहीं है तो वो प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट का नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन है, तो यानी ये प्रोनाउन हो गया। से किसी का नाम नहीं दिया ना, नाम नहीं था, प्रोनाउन हो गया। तो उन्हें पढ़ सकते, उन्हें किन है, कोई नाम दिया हुआ है? सर बेसिकली डैम का मतलब किसको रेफर करे? बुक्स को। पर के नाम दिया हुआ है क्या? नहीं, नाम दिया हुआ है क्या? पहले सेंटेंस में दिया, पहले सेंटेंस की बात नहीं करें, इस सेंटेंस करें, सेंटेंस का नाम दिया हुआ है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। एंड जब किसी चीज़ का नाम नहीं होता तो वहाँ पे क्या यूज होता है? प्रोनाउन। तो नाम की जगह पर इतनी वर्ड्स यूज किया तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। सर ये माइंड क्यों नहीं कराया अभी तक? मैं आपको पर जैसे प्रोनाउन कराऊंगा ना तभी समझाऊंगा, थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब अगर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिस तरह से नाउन्स काफी सारे टाइप्स के होते हैं,
प्रोनाउंस भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, पता नहीं आपको पहले हमने पढ़े नहीं पढ़े, मुझे ध्यान भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी होती है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब क्या, मैं, तुम, वह, हम, दे, पर्सनल है ना, पर्सनल। और ध्यान रखना प्रोनाउन को ना एक से समझ लो पहले। नाउन जो होते हैं, नाउन आपको पता है, नाउन को हम अलग अलग केस में यूज करते हैं। नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं, एज अ पजेसिव नाउन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउन में क्या होता है, नाउन में चाहे आप एज अ सब्जेक्ट यूज करो चाहे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करो, कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, नाम को हम एज चेंज लिख देते हैं। हाँ, जब हम पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं, हम पजेसिव नाउन लिखते हैं तो हम थोड़ा एपोस्ट्रोफीज लगा देते हैं बस, जनरली उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं लिखा है ये अर्नब की बुक है तो अर्नब से बुक लिख दूंगा ज्यादा से ज्यादा, कि उसने बुक अर्नब को दी, ही गेव बुक को टू अर्नब, ठीक है, या इट इज अर्नब बुक, मतलब कुछ भी मैं लिखूँ, अर्नब अर्नब भी नाम ही लिखूंगा मैं तो कहीं भी। लेकिन जब बात आती है प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन की ना पोजिशन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन के वर्ड बदल जाते हैं। अगर मेरे को मैं लिखना है, अगर मेरे को मैं लिखना है, जैसे मैंने दूध पिया, तो मेरे को अगर मैं वर्ड लिखना है, मैंने दूध पिया, मैंने, तो अगर मैंने को अगर मेरे को इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट लिखना है तो इस मैंने को इंग्लिश में बोलेंगे आई। अगर इस मैंने को मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट पर तो इसको बोलेंगे मुझे, यानी मी। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर आप उस वर्ड को एज अ सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में कुछ और बोलेंगे, अगर आप उस वर्ड को, आप उस प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसको हम कुछ और कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो प्रोनाउन में आपको दो वर्ड याद रखने पड़ेंगे, याद तो सारे होंगे, बस कैसे कैसे यूज करना है बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कुछ पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का सिंपल से मीनिंग समझ लो। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब क्या, जो कि क्या करते हैं, नाउन की जगह पर यूज होते हैं, नाउन की जगह पर यूज होते हैं, नाउन वाले नाउन की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आई, वी, ही, सी, दे, प्रोनाउंस हैं, ये फाइव प्रोनाउंस हैं, फाइव पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनको याद कर लो, इनको याद कर लो, फाइव पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान रखना इनको ना अलग अलग जगह यूज करते हैं। अगर को आप एज अ सब्जेक्ट देखो, एज अ सब्जेक्ट तो हम आई बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाए तो एज अ ऑब्जेक्ट आई का मीनिंग चेंज हो जाएगा। एज अ ऑब्जेक्ट मेरे को आई की जगह पे क्या लिखना, बी की जगह पर अस, ही का मतलब हिम, सी का मतलब हर, दे का मतलब देन। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये तो अभी हम पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। यानी पर्सनल प्रोनाउंस तो हैं, जो एज सब्जेक्ट यूज किया उसको सब्जेक्टिव बोल देंगे, जो एज ऑब्जेक्ट यूज किया उसको ऑब्जेक्टिव बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है तो आप ये ऊपर वाली कैटेगरी वाले वर्ड्स यूज करोगे, अगर आपको कोई वर्ड ऑब्जेक्ट वाली जगह पर यूज करना है तो आप नीचे वाले वर्ड्स यूज करोगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, अब इसको छोड़ दो, है ना, अब इसको छोड़ दो, इसको हम लिख लेते हैं पी, है ना, पेंडिंग, है ना। हाँ, अब हम पहले वाली एक्सरसाइज करते हैं, क्या कह रहा है, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंस, कौन सा करो पर्सनल प्रोनाउंस सा करो, आइडेंटिफाई करो। फिर कह रहा है राइट एस अंडर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड ओ अंडर ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, यानी तीन काम करने हैं। पहले तो पर्सनल प्रोनाउन आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कौन सा सब्जेक्टिव है और कौन सा
ऑब्जेक्टिव है, तीन काम करने हैं। तो पहले पहला काम करो, पहले तो पर्सनल प्रोनाउन छांटो। पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं? आई, वी, ही, सी, दे, ठीक है। और उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, आई का मी, वी का अस, ही का हिज, ही का हिम सॉरी, सी का हर, दे का देम। तो ये 6 वर्ड्स हैं आपके, हो गए सॉरी 5 हो गए, 10 वर्ड्स हो गए। 10 वर्ड्स आपको ध्यान आइडेंटिफाई करने हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आपके कौन कौन से हैं? दे है, अस है, आई है, देम है, आई है। क्या यू था वहां पर? यू नहीं था, मी है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो कह रहा है क्या करो, आइडेंटिफाई कर लिया, एस और ओ लिखने हो आपको। तो देखो जो सब्जेक्ट के ऊपर यूज हुआ है, आपको याद भी नहीं रखना, आपको याद भी नहीं रखना कौन सा होगा। आप बस जो सब्जेक्ट के ऊपर यूज हुआ है, वो सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। अभी भी किए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वाले, तो उसमें सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पता है आपको, हुसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर दिए, ठीक है। और इनको छोड़ के जो बच्चे ऑब्जेक्ट वाले हैं, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी आपको पता ही है, ठीक है। ये आपकी इजीली हो गई, आपकी इजीली हो गए, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस, जिस तरह से पजेसिव नाउन होते हैं, उस तरह से पजेसिव नाउन होते हैं। सर क्यों नहीं हो सकते पजेसिव? मतलब क्या बताना कि ये चीज मुझसे बिलोंग करती है या नहीं करती, है ना, बिलोंगिंगनेस को शो करना। तो अगर मैं बोलूँ ये बुक अर्नब की है, तो जब मैं अर्नब का अगर मैं नाम लेके बोलूँ तो क्या नाउन बन गया, पजेसिव नाउन, अर्नब की बुक है, अर्नब्स बुक है, तो क्या बन गया, पर्सन, वो पजेसिव नाउन। लेकिन मेरे को अर्नब का नाम नहीं पता, फिर मेरे को नहीं उसकी बुक है, तो मैं क्या बोलूँ उसकी बुक है, उसकी नाम की जगह पर मैं क्या बता रहा हूँ उसकी बुक है। यानी बिलोंगिंगनेस सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ना बिलोंगिंगनेस को। तो बिलोंगिंगनेस को अगर मैंने शो किया तो ये भी क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन। सब प्रोनाउन क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला उसकी बुक है। किसकी बुक है? नाम लिया के मैंने, नहीं उसकी बुक है, ऑब्जेक्ट है बट क्या कहते हैं उसका नाम नहीं है, नाम नहीं है। तो फिर आपने सेंटेंस कैसे बना दिया, नाम की जगह पर मैंने दूसरा वर्ड यूज कर लिया उसकी, उसने नाम की जगह पर जो भी दूसरा वर्ड यूज किया था उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते ही है। तो ये क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन बन गया। तो यानी कि कहने का मेरा मीनिंग ये था, जिस तरह से पजेसिव नाउन होते हैं उसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। अब वही वाली बात है कि यहाँ पे प्रोनाउन को लिखने के हर जगह पे अलग अलग तरीके होते हैं। अब नाउन है वो प्रोनाउन है, एज सब्जेक्ट कुछ और लिखोगे, एज ऑब्जेक्ट कुछ और लिखोगे, एज अ पजेसिव प्रोनाउन कुछ और लिखोगे। जैसे आई और बी को क्या लिखा जाएगा, आई को आप क्या लिखोगे, माई माइंड, वी को क्या लिखोगे, आर्स, यू को क्या लिखोगे, योर्स, ही को हिज, सी को हर्स, देम को देयर्स, ठीक है। ये आपके निपड़ेंगे। इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट की कोई पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे ना, इसका कोई बोल नहीं है, ये तो याद करने पड़ेंगे। ये मेरे रूल्स कितना है, रूल्स तो वाले याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक डिफरेंस है आपको, मैं देखूँ आपके काम का है नहीं डिफरेंस, तो देख लो। देखो सर डिफरेंट होते हैं, जैसे पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या डिफेक्ट करते हैं, ये शो करते हैं, ये शो करते हैं पोजीशन, ठीक है, सिंपली क्या करते हैं पोजीशन। लेकिन एडजेक्टिव का मतलब होता है, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, हाँ। तो ये क्या करते हैं, पोजीशन तो शो करते ही करते हैं, पर पोजीशन कैसे शो करेंगे, क्वालिटी दिखाकर, किसी ना किसी नाउन की क्वालिटी बताकर। और यहाँ पर तो नाउन होता ही नहीं है, यहाँ पर तो नाउन होता ही नहीं है, क्या लिखा हुआ इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी वहाँ पर नाउन होगा, वहाँ पर नाउन होगा लेकिन नाउन से पहले एक प्रोनाउन ही बता होगा। अब प्रोनाउन क्या करेगा, क्वालिटी बताया कि मेरी बुक है, ये उसकी बुक है, ठीक है, माई बुक, योर कार। तो यहाँ पे मत कर देना योर मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, वो पजेसिव प्रोनाउन, योर कार, कार से पहले आ गया ना योर, तो यानी पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया,
ठीक है, जो पद से प्रोनाउन होते हैं वो क्या कहते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन को क्या कहते हैं, रिप्लेस करते हैं, यानी नाउन तो होता ही नहीं है। लेकिन पद से ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, तो नाउन होगा और नाउन से पहले क्या जाएगा, नाउन से पहले, ये नाउन है, बुक नाउन है, कार नाउन है, अब इनसे पहले क्या आ गए, आपके वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो इनको होते हैं पद से ऑब्जेक्टिव। ये तो दोनों ने लॉजिक बता दी, रूल्स मुझे समझा दोनों। अब वो कह रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं है तो फिर भी याद कर लो, माई वर्ड है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो माइन होता है वो प्रोनाउन होता है। योर प्रोनाउन है, योर प्रोनाउन है, योर एडजेक्टिव है, हिज प्रोनाउन है, ये दोनों सेम रहते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, मशीन नहीं होते। हर्स प्रोनाउन है, हर सिंपल एडजेक्टिव है, आर्स प्रोनाउन है और आर एडजेक्टिव है, देयर्स प्रोनाउन है और देयर एडजेक्टिव है। इट की तो कोई फॉर्म होती नहीं है प्रोनाउंस के अंदर, लेकिन इट की एडजेक्टिव के अंदर होती है, इट्स। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखो, इसको छोड़कर जहाँ पे भी एस लिखा हुआ है, जहाँ पे भी एस लगा हुआ है, वो सारे प्रोनाउंस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। और इस इट्स को छोड़कर बाकी सारे जहाँ पे एस नहीं होता वो एडजेक्टिव होते हैं। ये याद करने के तरीके हैं, समझा मैंने दिया ही आपको इन दो पॉइंटों में। तो आपको इस वाले ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है। तो वर्ड्स याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, दिस इज नॉट रवि बुक, हिज बुक इज न्यू, हिज बुक इज न्यू, पहला एग्जाम्पल तो ये है, फिर देखा दिस इज नॉट रवि बुक, हिज इज न्यू। तो देखो पहले वाले सेंटेंस में ये तो पता चलता है हिज वाले वर्ड से होगा कुछ, हिज लड़के के लिए हिज आता है, हिज ही सर या पर्सन प्रोनाउन है, पर्सन एडजेक्टिव है। अब कैसे पता चले सर कौन सा वाला नाउन है, कौन सा वाला प्रोनाउन है, कौन सा वाला एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव हमेशा आते हैं नाउन से पहले, एडजेक्टिव हमेशा कब आते हैं पॉजिटिव वाले, नाउन से पहले। तो देखो प्रॉब्लम क्या लिखा है, हिज बुक, यानी यहाँ पर बुक नाउन है और नाउन से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हुआ या नहीं हुआ, नहीं ये प्रोनाउन नहीं हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आते, बल्कि जब प्रोनाउन आते हैं तब नाउन तो आते ही नहीं है। तो पहले वाले में तो क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया, दूसरे वाले में क्या हो गया, क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, है ना। इसी तरह से मैं सारे अगर नीचे बता दूं आपको, माई कार ये क्या है, एडजेक्टिव है, मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज हिज आइडिया, ये भी एडजेक्टिव है, ए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दीज आर माई क्रियाउंस, ये भी क्या एडजेक्टिव है आपका, दिस इज नॉट आर हैबिट। अच्छा तो सॉरी 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 सॉरी, आइडेंटिफाई नहीं करना, वो कह रहा है चेंज करो, चेंज करो एडजेक्टिव को पजेसिव में, चेंज करो एडजेक्टिव को पजेसिव बोन प्रोनाउन में। तो कैसे चेंज करोगे सर, हिज बुक है, हिज बुक को हिज से चेंज कर दिया, जैसे दिस नॉट रवि बुक, ये रवि की बुक नहीं है, हिज बुक इज न्यू, उसकी बुक तो नहीं है, इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज नॉट रवि बुक, ये रवि की बुक नहीं है, उसकी नहीं है। अब दोबारा मतलब ना उसकी बुक, अब बोलो कि उसकी नहीं है, एक बार बुक का जिक्र हो चुका है ना, तो दोबारा से बुक का जिक्र करने का क्या फायदा, या तो बोलो उसकी बुक नहीं है, या फिर बोलो उसकी नहीं है। तो आपको प्रोनाउन लाना, तो प्रोनाउन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी, आपको प्रोनाउन हटाना पड़ेगा, नाउन प्रोनाउन लगाने के लिए आपको नाउन हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, दिस इज माई कार, तो क्या लिखो, दैट इज, वो सर दैट इज माई कार, तो माई को कैसे चेंज करोगे, माइंड से, माइंड को कैसे चेंज करोगे, माइंड से, तो दिस इज माइंड कार, गलत, डेट कार इज माइंड, देखो डेट कार इज माइंड, सेम वाला, डेट आइडिया इज हिज, दिस आइडिया इज हिज, सॉरी दिस आइडिया इज हिज, जो ये जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड कहाँ पे चला जाता है, पहले वाले के साथ चिपक जाता है, दिस आइडिया इज हिज, दीज आर माई क्रेयॉन्स, दीज क्रेयॉन्स आर माइन, दीज क्रेयॉन्स आर माइन, दिस इज नॉट आर रैबिट, दिस रैबिट इज नॉट आर, दिस रैबिट इज नॉट आर, है ना, दीज आर हर डॉल्स, दीज डॉल्स आर हर्स, दीज डॉल्स आर हर्स, आई थिंक हो गया, आपका नोट हो गया सारे, नहीं हुए तो आप पॉज करो, बैक करके लिखते जाओ सारे जल्दी जल्दी। ठीक है, आई थिंक आपने पॉज करके लिख लिया होगा।
अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना, एग्जाम्पल देना, प्रेजेंट करना। और प्रेजेंट आप कैसे करते हो? ये देखिए, हम आपके सामने ये बहुत शानदार साड़ी लेकर आए हैं, यह देखिए, वो देखिए, वो जो पेंटिंग आप जो सामने देख रहे हैं, ये महान पेंटर लियोनार्डो दा वेंची ने बनाई है, बियोन वेंची ने बनाई है। तो ऐसे तो यह देखिए, वो देखिए, है ना? तो इसको यह और वो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस और दैट। तो इसी से बना हुआ ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस और दैट, दिस और दैट, दिस और दैट क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, याद कर लेना ये, ठीक है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स वाले, क्वेश्चन वर्ड्स वाले, व्हाट हो गया, विच हो गया, हो गया, ठीक है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हु, है ना? देखो मैं सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं तो यूज कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज क्या इसके अंदर, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा कब आते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं नाउन से पहले। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कब आते हैं? नाउन से पहले आते हैं, ध्यान रखना। इस एग्जाम्पल को छोड़ देना अभी, चलो समझ लो। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हुज बुक हैव यू गॉट, बेसिकली आपको पता होना चाहिए हुज के बाद क्या आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही। हुज के बाद क्या आ रही है? नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आ रहा है तो समझ लो ये कौन सा, ये जो क्वेश्चन वर्ड ये कौन सा है? ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन आता है ना, तो उसका मीनिंग थोड़ा रीड करने का तरीका चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है वो हम आगे एक्सरसाइज में देख लेंगे, ठीक है? रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस, वो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैं सिंपल सा आपको बताऊं, जितने भी सेल्फ वाले होते हैं, जितने भी सेल्फ वाले होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब इनको यूज कब किया जाता है, जरा समझ लो, इनको यूज कब किया जाता है? व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन द सब्जेक्ट, मतलब जब कोई काम सब्जेक्ट ने किया है, जब कोई काम सब्जेक्ट ने किया है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है बेसिकली, है ना? अगर कोई काम सब्जेक्ट ने किया है और हम बताना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट ने ही किया है, तब ऐसे केस में क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। सर एग्जाम्पल दो, सोहन ने खुद अपना होमवर्क किया, सब्जेक्ट कौन है? सोहन। क्या सोहन ने कोई काम किया? हाँ किया, सोहन ने अपना होमवर्क किया। क्या मैं ये बोल रहा हूँ सोहन ने खुद से अपना काम किया? खुद से यानी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सोहन ने किया है, सब्जेक्ट ने खुद किया है, सब्जेक्ट खुद कर रहा है। जब मैं बोलूँ सब्जेक्ट कोई काम खुद कर रहा है, तो मैं ऐसे किस्म क्या बोल लगाऊंगा? सेंटेंस सेल्फ वाले। तो सोहन डिड हिज होमवर्क, या सोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, ही के साथ कौन सा वर्ड आता है? हिम सेल्फ, ठीक है? तो जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है? इंडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब क्या? इंडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब क्या? इंडेफिनेट का मतलब क्या समझते हो? इंडेफिनेट का, इंडेफिनेट मतलब कैसा? जिसको जो डिफाइन ना हो सके, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, जो डिफाइन ना हो सके। हाँ, जो डिफाइन ना हो सके, जिसका कोई डिफाइन ही नहीं कर सको, जिसको बता ही ना सको एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। जैसे नोबडी हो गया, नोबन हो गया, नन हो गया, एवरीवन हो गया, ऑल हो गया, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं आपके? इनडेफिनेट क्या हो गया? इनडेफिनेट आपके प्रोनाउंस हो गए, ठीक है? सम नाउंस एम्प्लॉयड हो या फिर अंडरस्टूड हो, कुछ समझे हुए हो आप, बेस तो बता नहीं पाओगे, बस वो एम्प्लॉयड हो। छोड़ दें एम्प्लॉयड मीनिंग को भी, आई मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, 6 तक है ना, और इनकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इनकी ज़्यादा मैं सेंटेंस आपको। आई सॉ द बॉय वॉट, अच्छा ये आपको यूज सिखाने पड़ेंगे।
ये वाला ट्राई कर देना, सेकंड वाला ये वाला ट्राई करना, रीड करना, रीड करके देखना क्या मीनिंग ये निकलना चाह रहा है सेंटेंस में, फिर देखना उस मीनिंग को एग्जैक्टली कैसे निकालोगे, नहीं तो फिर मैं कल कराऊंगा ही कराऊंगा। ये सिक्स वाला करना, थर्ड वाला करना, फिफ्थ वाला करने का ट्राई करना, ठीक है होमवर्क है ये ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है।